धर्म संकट में फंसने वाली है अनुपमा, किसे चुनेगी, किसे छोड़ेगी, किसका देगी साथ। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा को लेकर बहुत दिनों से खबरें थी कि भाई सीरियल में जल्दी किसी नई की एंट्री होने वाली है और उसकी एंट्री हो चुकी है। ये कोई और नहीं बल्कि बरखा के लिए मुसीबत लेकर आया है। वेल साथ ही अनुपमा जो है काव्या का सच जान चुकी है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा परेशान है क्योंकि वहाँ पर वनराज जो है वो भी सारी सच्चाई जानने वाला है। तो चलिए बताते हैं अनुपमा इन सारी मुसीबतों को किस तरह से हैंडल करेगी। वेल दोस्तों, आज के ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से अनुपमा काव्या दोनों साथ में बात कर रहे होंगे। जिस तरह से काव्या ने अनुपमा को अपनी सच्चाई बताई है, ये सुनकर तो जैसे भाई अनुपमा के होश ही उड़ गए हैं। अनुपमा जो है काव्या को देखती रह जाती है। जब काव्या बताती है कि ये बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है, ये बातें सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमी खिसक गई है। अब अनुपमा काव्या को लेकर अंदर जा रही है। अनुपमा जो है काव्या को रूम में अपने साथ लॉक करती है, जहाँ पर वो उसे बहुत सुनाती है। वहीं काव्या जो है वो कहती है, वो पल ही ऐसा था, मैं क्या करती, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। इस बात पर अनुपमा जो है वो चिल्लाती है और कहती है, सिर्फ तुम्हारे एक पल की वजह से यहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरे परिवार की इज्जत चली जाएगी, सबके सब तमाशा बनाएंगे। वहीं पर वनराज जो है गेट से ये सारी बातें सुन लेता है। वनराज जैसे ही ये बातें सुनता है तो भाई वनराज के पैरों तले जमी खिसक जाती है। वनराज जो है काव्या अनुपमा को देखता ही रह जाता है। लेकिन देखना इसमें ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भाई वनराज जो है वो काव्या को अब भी एक्सेप्ट करेगा। वहीं दूसरी तरफ वनराज पहले बहुत खुश था क्योंकि जब अनुपमा ने वनराज को देखा था तो वनराज डांस कर रहा था। हालांकि ये चारों के चारों ही कपल बनाकर डांस करते हुए नजर आए थे, जहां पर अनुपमा अनुज भी दोनों बहुत खुश थे क्योंकि कितने दिनों बाद अनुपमा की लाइफ में खुशियां आई हैं। लेकिन ऐसा लगता है ये शाह और कपाड़िया परिवार वाले मिलकर अनुपमा को बर्बाद कर देंगे क्योंकि एक और भयंकर ट्विस्ट आने वाला है, जहां भाई बरखा जो है वो अनुपमा के सामने कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिसके बाद आप देख सकते हैं अनुपमा जो है और भी हैरान हो जाएगी। दरअसल अंकुश के एक और बेटी की एंट्री हुई है। आप देख सकते हैं ये लड़का कितना अजीब है। उस लड़के ने जैसे ही एंट्री ली है तो सबके सब उसे ही देखे जा रहे हैं। अब ये अंकुश की नाजायज औलाद है, जिसके बाद अनुपमा जो है वो भी हैरान है। अब वहीं पर बरखा जो है चिल्ला चिल्ला कर अनुपमा से बोल रही है, अनुपमा तुम बताओ अगर अनुज की कोई नाजायज औलाद आई तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है अनुपमा इन सब का कैसे जवाब देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।